बाद बदहाल कानून व्यवस्था, पब्लिक और पुलिस के बीच बढ़ रही दूरियों और त्योहारों के आपराधिक घटना को कम करने के साथ पुलिस कर्मियों द्वारा आत्महत्या किए जाने के चलते पुलिस आला अधिकारियों ने यूपी के जनपदों का भ्रमण कर जनता से संवाद करने के साथ ही पुलिस कर्मियों से उनकी समस्याओं की जानकारी लेने की पहल शुरू कर दी है। पुलिस के आला अधिकारी यूपी के जनपदों का भ्रमण कर पैदल गश्त, जनता और पुलिस कर्मियों से संवाद कर उनकी समस्याओं की जानकारी कर उनके निराकरण कराने के साथ ही सुरक्षा का भरोसा देने का प्रयास कर रही है। वहीं त्योहारों को शांतिपूर्वक और आपसी सौहार्द से मनाने के साथ ही यातायात नियमों का पालन करने और स्वच्छता रखने की अपील की। इसी के चलते कानपुर जोन के अपर पुलिस महानिदेशक अविनाश चंद्र जनपद कानपुर देहात के दौरे पर रहे। इसी दौरान अपर पुलिस महानिदेशक अविनाश चंद्र जी ने कस्बा अकबरपुर में पुलिस अधिकारियों और पुलिस जवानों के साथ पैदल गश्त किया। वहीं एडीजी जोन ने जनता के साथ चौपाल लगाकर उनकी समस्याओं की जानकारी कर समस्याओं का निराकरण कराने का आश्वासन दिया। महानिदेशक अविनाश चंद्र कानपुर देहात के पुलिस लाइन्स में पुलिस कर्मियों का सम्मेलन कर पुलिस जवानों से संवाद किया। वहीं पुलिस अधिकारियों से पुलिस कर्मियों के साथ समय समय पर संवाद कर उनकी समस्याओं को दूर करने का निर्देश भी दिया। आज कानपुर देहात अकबरपुर कस्बे में आना हुआ। यहाँ पे सबसे पहले हमने कस्बे में पैदल गश्त किया है पुलिस अधीक्षक, एडिशनल SP और तमाम अधिकारियों के साथ। उसमें मुख्यतः 4-5 बातें हमने बताई। पहला संदेश ये दिया कि पुलिस और पब्लिक एक है और मिलजुल करके ही हम लोग अपराध नियंत्रित कर सकते हैं, अपराध की घटना घटित होने पर उसका अनावरण कर सकते हैं, कानून व्यवस्था को बनाए रख सकते हैं। पब्लिक को केवल जो घटनाएं उसके सामने घटित हो रही हैं, कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो उसमें कान और आँख खुला रख के और चीज़ों को नोट करके पुलिस को बताए, पुलिस गोपनीय तरीके से उस सूचना पर कार्रवाई करेगी और उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। फिर यातायात नियमों के पालन करने के बारे में बताया गया, सबको सेंसिटाइज किया गया कि हेलमेट गाड़ी चलाएं, ट्रैफिक सिग्नल पर रुकें, 3 सवारी बैठा के ना चलाएं, तेज़ गति से गाड़ी ना चलाएं, मोबाइल फ़ोन का प्रयोग ना करें, शराब पी के गाड़ी ना चलाएं, ये सारी चीज़ें उनको बताई गई। फिर अस्थायी अतिक्रमण जो लोगों ने कर रखा है उसको हटाने के लिए रिक्वेस्ट किया गया और त्यौहार के बाद इसको जो है नगर पालिका से मिल करके इसको हटवाया जाएगा। साथ ही साथ किराएदारों के सत्यापन के बारे में लोगों को बताया गया कि जो बाहर से आकर के कमरा लेकर के रह रहे हैं उसमें लोगों का सत्यापन करवाएं। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में लोगों को सेंसिटाइज किया गया और साइबर क्राइम लोगों के साथ जो हो रहा है उसके बारे में लोगों को सेंसिटाइज किया गया, ये सारी बातें बताई गई। अब इसके बाद जो यहाँ के रिक्रूट आरक्षी हैं, अन्य पुलिसकर्मी हैं, सभी इंस्पेक्टर्स एसओस की एक सम्मेलन करेंगे जिसमें डिफरेंट पहलुओं के बारे में उनको बताया जाएगा और फिर अपराध नियंत्रण के बारे में, अपराध अनावरण के बारे में और जो आगामी त्यौहार है उसके बारे में एक समीक्षा बैठक की जाएगी। अच्छा सर, साइबर क्राइम को देखते हुए क्या दिशा निर्देश दिए गए? इसमें बहुत सारे प्रिकॉशन बरतने होते हैं इंडिविजुअल को। अगर कोई ट्रांजैक्शन वो कर रहा है, OTP आ रहा है तो उसको किसी को ना बताए, अपना ATM का पिन किसी को ना बताए, या इस तरह के जो बहुत कॉमन अवेयरनेस होनी चाहिए वो लोगों को अवेयर किया गया और उसका पालन करके आपके साथ जो इस तरह के अपराध हो जाते हैं, आपके अकाउंट से पैसा निकल जाता है या ठगी हो जाती है आपके साथ, तो उससे बचा सकता है। और अगर किसी के साथ एक घटना हो जाती है उसको पुलिस को बताए, पुलिस उसमें उनकी हेल्प करेगी।